ओके गाइस, तो आज हम लोग कल हम लोग जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं साउ 2012 क्वेश्चन नंबर 56। ओके, आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 डिवाइडेड एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस? मैंने कल आपको बताया था कि अगर भी फिर कौन आ रहा है, ओके गाइज, तो 10 डिवाइडेड बाय एक्स, तो मैंने कल आपको बताया था कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, तो 10 मेरा कांस्टेंट है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन। सर आपकी माइक ऑफ है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। तो मैंने जहाँ कल छोड़ा था उसके बाद जो है अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने छोड़ा था साउ से, जो है अब हम लोग करेंगे साउ 2012 क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, सिंपल सा है, 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। गाइज, 1 बाय एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। तो 10 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट निकल गया, 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स का गाइज इंटीग्रेशन सेम होता है ना, सेम। तो ये e पे पावर x प्लस सी। सी क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट है, कोई यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट सी आ गया। तो आपका आंसर मैच किया किससे गाइस? ए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, 10 डिवाइडेड बाय x प्लस e पे पावर x। 10 मेरा कांस्टेंट था तो मैंने बाहर निकाल लिया 10 को। फिर 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x, तो मैंने लॉग x पुट कर दिया। प्लस e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर x, तो वही हो गया। और प्लस सी जो कि ऑप्शन नंबर ए से जो है मेरा मैच किया। ठीक है, तो एक साउ 2012 का क्वेश्चन था। अब जो है साउ 2012 क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे कि लॉग एक्स को मैंने सपोज कर लिया टी। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखा कि टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। ठीक है, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, log x। log x को गाइज हम लोगों ने क्या माना था, t, t, ओके, बचा क्या, x, डी एक्स बाय एक्स, ये बचाना रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, सेम चीज। तो अब इसके बदले में अभी हम डी टी जो है हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो मेरा ये डी टी बैठ गया, अब इसका इंटीग्रेशन। ओके, सिंपल सिंपल सा इंटीग्रेशन है गाइस इसका। तो 1 बाय टी का क्या होगा, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। और गाइस लॉग टी, टी इज इक्वल टू क्या था, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, मैंने गाइस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये लॉग एक्स था, मैंने इसको टी माना, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाय एक्स। ठीक है, तो ये डी एक्स को हम यहाँ लेके गए, ये डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब हम इस फॉर्मेट में लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को मैंने यहाँ पे टी लिखा, बचा क्या, डी एक्स बाय एक्स, तो मैंने डी एक्स बाय एक्स किया था डी टी,
तो मैंने यहाँ पे डी टी लिख दिया। गाइज वन बाई टी, वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो वन बाई टी का क्या होगा लॉग टी, तो लॉग टी प्लस सी, और टी इज इक्वल टू क्या था लॉग एक्स, तो मैंने यहाँ पे लॉग एक्स पुट अप कर दिया, जो कि एन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज आई एस आई 2015 का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कि आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई। देखिए गाइस यहाँ पे आपको डी वाई के बारे में पूछा गया है, तो ये एक्स जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट इन द सेंस कि सपोज ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन डी वाई के साथ पूछा गया है, सिर्फ हम वाई को देखेंगे और बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे, एक्स रहे, जेड रहे, टी रहे, वी रहे, 5 रहे, 50 रहे, ये मेरे लिए पूरा कांस्टेंट बिहेव होगा। क्यों? क्योंकि हमको डी वाई के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रेशन दे रखी है। अब हमें पूछा है कि जो ये है ना कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, मतलब ये जो है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन गाइस हमको ये दिया हुआ था कि इंटीग्रेशन ए टू एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, यही दिया हुआ था, या इक्वल टू जीरो, और ये जीरो इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है, दिस पॉइंट जीरो, ठीक है, ओके। तो गाइस मैंने अभी आपको बोला कि सिर्फ हम वाई के रिस्पेक्ट में जो है देखेंगे और बाद में जो भी ये टर्म है वो मेरा कांस्टेंट बिहेव होगा। सपोज कि अगर 5 + y डी वाई, अगर हम उसको पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप मुझे बोलेंगे कि 5 y + y² / 2, ठीक है, क्योंकि 5 मेरा कांस्टेंट और बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा डी वाई के रिस्पेक्ट में, दैट इज y + y² / 2, ठीक है। तो उसी प्रकार से x मेरा बाहर निकल गया, बचा 1, 1 के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई का क्या होगा y² / 2, ओके। अब ये मेरा लिमिट कहाँ से हो गया ए टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो गाइज अब मैं बस लिमिट को पुट अप करता हूँ, जहाँ पे भी मेरा वाई है वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा वाई के साथ मैंने इंटीग्रेशन किया है ना, तो इसलिए वाई जहाँ रहेगा वही ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटअप होगा। तो एक्स इंटू ये अपर लिमिट यहाँ पे मैंने पुटअप किया, दैट इज एक्स प्लस यहाँ पे मैंने पुटअप किया x² / 2, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ए एक्स, एक्स और वाई की जगह में ए, प्लस a² / 2, ओके। तो गाइस इसको सिंप्लीफिकेशन करने से कितना आता है x² + x² + x² / 2 माइनस ए एक्स माइनस a² / 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2x² + x² - 2ax - a² / 2 इज इक्वल टू जीरो, तो 2 इधर जाके जीरो हो गया, तो दैट इक्वल टू जीरो, ठीक है, नीचे में 2 था तो इधर जाके जीरो हो गया। तो इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 3x² - 2ax - a² इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेशन किए तो हमको ये रिजल्ट मिला, लेकिन गाइस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब रूट, कि आपको रूट के बारे में यहाँ पे कहा गया कि कितने रूट है इस वैल्यूज ऑफ एक्स के। तो गाइस सिंपल क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं कि कहाँ इंटीग्रेशन टू जो आपको रूट्स में जो है आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट आप इसका जो श्रीधारी आचार्य रूल होता है, तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज अब इसका चेक कर लेंगे, तो डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अगर ये गाइस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मेरा जो रूट्स होगा वो रियल होता है, अनइक्वल होता है, ठीक है। तो मेरे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन अगर वैलिड होगी तो गाइस b क्या होता है, b ये वाला पार्ट होता है, दैट इज b, ओके।
बी स्क्वायर मतलब 2a² क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 4 इंटू ए, ए की जगह में क्या है 3, 3 इंटू इंटू सी, सी क्या है गाइस यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4a² प्लस 12a² गाइस आपको दे रखा है कि ए पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, तो मतलब कि मेरा जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो है। और जब ये कंडीशन वैलिड होता है मेरा क्वाड्रेटिक में, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है ना क्योंकि ये 2 है इसका पावर, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा कितना रूट होगा, 2, एक x1 और एक x2, तो मेरा आंसर क्या होगा 2, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो बी जो है गाइस मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया गाइस, मैंने जो मुझे दे रखा था इंटीग्रेशंस, मैंने इंटीग्रेशन उसको मतलब सिंपल सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है वो दे रखा है। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे डी वाई है तो सिर्फ हम वाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, और बाद बाकी मेरे लिए जो है वो मेरा कॉन्स्टेंट बिहेव होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट तो यार कॉन्स्टेंट बिहेव होगा, तो मैंने एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, तो एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, यही तो मैंने लिखा था इंटीग्रेशन। तो मैंने सिंपल से इंटीग्रेशन किया, फिर मैंने जो भी उसका लिमिट था मैंने लिमिट यहाँ पे पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। ये इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन पे फिर दोबारा जाता हूँ, और क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और नंबर का मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज निकाला सीधे चार रूट, तो मैंने डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मेरा ये पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। ए मेरा 3, बी जो है मेरा 2 है, माइनस 2 है, तो ये स्क्वायर है तो मेरा पॉजिटिव हो गया ये पूरा टर्म्स, ठीक है। उसी तरह से सी और सी माइनस ए स्क्वायर है, तो मैंने पुटअप किया तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यूज निकल गया। और जब पॉजिटिव वैल्यूज निकल गया तो बोल सकते हैं कि हाँ अब जो है मेरा 2 रूट होगा, क्यों, क्योंकि मेरा डी जो है पॉजिटिव है, और ये डी किस चीज का, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इसका आंसर 2, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। एनी डाउट? ओके नो डाउट्स। ओके डाउट है? नो नो ओके ओके एनीवन हैव हैविंग डाउट? ओके लेट्स मूव टू द आईएसआई 2016 क्वेश्चन नंबर 6। ओके आपको दे रखा है कि एक्स साइन एक्स डी एक्स 0 to π/2, ठीक है। तो गाइस मैंने इसको माना सेकंड, जो मेरा आईलेट का जो रूल था, ठीक है, इसको मैंने माना फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट को रखो, इंटीग्रेशन करो सेकंड का, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैंने आईलेट से जो है पहचाना कि मुझे एक्स को मानना है ए और साइन को मानना है मेरा क्या, 2, क्योंकि आईलेट ILATE ए, पहले ए आता उसके बाद टी आता ना, टी फॉर ट्रिगो, ठीक है। तो साइन मेरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, तो इसीलिए इसको 2 मानेंगे, और इसको एक्स जो है मेरा उसको मानेंगे फर्स्ट। तो जस्ट इसमें आपको पुट कर देना है, जस्ट और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको पुट अप करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मेरा क्या है, एक्स, मैंने एक्स को एज इट इज रखा। ओके इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकेंड का, तो सेकेंड को पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, दैट इज 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, तो मैंने 1 पुट अप कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड गाइस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस, तो मैंने ये माइनस कॉस यहाँ पे पुट अप कर दिया, ठीक है। और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन वो भी और एक बार करना है, ठीक है। ओके एक्स, ओके एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का गाइस इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स,
तो मैंने cos x पुट अप किया माइनस, ये माइनस था तो मैंने माइनस बाहर निकाल के इसको मैंने प्लस कर दिया, माइनस यहाँ निकल गया। गाइस cos x का क्या होगा? sin x, cos x का sin x, तो मैंने sin x पुट अप कर दिया। मेरा लिमिट क्या था? 0 से लेकर पाई बाय 2, तो मैंने लिमिट लगा दिया 0 से लेकर पाई बाय 2। ओके ओके, तो अब मैं लिमिट को जस्ट पुट अप कर देता हूँ जहाँ पे भी मेरा x है, तो माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये मेरा माइनस यहाँ आ गया, ठीक है, बचा कितना? cos पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, अब मेरा बचा माइनस, ये अब जीरो के साथ लो, तो जब जीरो के साथ अगर लोगे तो पूरा टर्म जीरो इंटू समथिंग, जीरो जीरो प्लस साइन जीरो जीरो जीरो, ओके, कॉस पाई बाय 2 दैट इज जीरो, तो जीरो इंटू माइनस पाई बाय 2 होल टर्म जीरो कैंसिल, बचा कितना? साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का गाइस वैल्यू क्या? 1, सो डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, गाइस देखो ये हमें दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, तो आप वो जो है डायरेक्ट जो फॉर्मूला है एक्स एम प्लस वन वो वाला आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो उसके लिए हम लोग आईलेट का हेल्प लेते हैं, ठीक है, आईलेट ILATE, तो पहले ए आता है उसके बाद टी आता है ना, टी फॉर ट्रिगो, ए एक्स, तो एक्स मेरा पहले आया ना एलजेब्रा, ठीक है, तो इसको मैंने माना फर्स्ट, और जो मेरा सेकंड दैट इज ट्रिगो, तो ट्रिगो को मैंने माना सेकंड, क्यों? क्योंकि ए के बाद टी आता है, तो ये मेरा सेकंड हो गया साइन, और ए जो है मेरा फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द आईलेट, ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एक फर्स्ट है और सेकंड है, और जस्ट मैंने इस वाले फॉर्मूला पर डाल दिया, फर्स्ट फर्स्ट को एज इट इज रखू, तो फर्स्ट मेरा एक्स था, एक्स रखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मेरा फर्स्ट क्या है? एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स क्या होगा? 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स मैंने पुट अप किया, ठीक है, फिर अब मैंने इस एक्स एज इट इज रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होता है, तो मैंने माइनस कॉस एक्स यहाँ पे बैठा दिया। ओके, अब ये माइनस था तो मैंने माइनस बाहर निकाल के यहाँ प्लस कर दिया, बचा क्या? कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स डाल दिया। अब मेरा लिमिट क्या था? पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू, तो एक बार मैंने पाई बाय टू बैठाया जहाँ पे भी एक्स था, तो ये माइनस पाई बाय टू इंटू इंटू कॉस पाई बाय टू प्लस साइन पाई बाय टू माइनस, ठीक है, ये मेरा पूरा पाई बाय टू के साथ था, अब मैं जीरो के साथ बैठाता हूँ, दैट इज जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो प्लस साइन जीरो जीरो, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना? साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू का वैल्यूज क्या होता है? 1, तो इसका आंसर जो है डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ISI 2016 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो लेट्स मूव टू द ISI 2016 क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी से 2 भी दे रखा है, गाइस पिछले वाला में तो कोई डाउट नहीं था, कोई एक बच्चा प्लीज रिस्पॉन्स कर दे, ठीक है, तो ISI 2016 क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन बी से 2b x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो गाइस मैंने क्या किया कि लेट से मैंने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, वही जो मैं पहले जो मैं मानता था वही चीज़ मैंने किया, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ कि टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैं निकालता हूँ गाइस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, टी और एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, गाइस दैट इज 2x, और ये तो मेरा कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 प्लस 0, ओके ओके ओके, तो गाइस अब मैं इसको फिर फॉर्मुलेट करके लिखता हूँ, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना था? टी,
तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ओके मेरे पास बचा क्या, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, ये डी एक्स को मैं यहाँ लेके जाऊँगा और टू को मैं नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का बनेगा, दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वही चीज़ तो है ना ऊपर में, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी डी टी ना, ये टी है ना, सॉरी डी टी। तो दैट इज डी टी बाई टू, तो ये टू नीचे आ गया, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। अब मेरा लिमिट जो है, लिमिट गाइस ये क्या है, मेरा एक्स के साथ लिमिट है बट मैंने इसको टी में कन्वर्ट किया है, तो मुझे जो है अब सारा लिमिट टी में देना होगा, ठीक है। ओके तो मैंने गाइस क्या माना था कि टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही माना था। सपोज कि जब एक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से, तो मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ बी से, टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज टी इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर, गाइज फोर बी स्क्वायर, ओके नो नो फोर बी स्क्वायर ना, टू बी स्क्वायर ना, टू बी स्क्वायर, सॉरी टू बी स्क्वायर, गाइज टी इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको माना था, लेकिन ये मेरा एक्स का लिमिट था। एक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, तो मैंने एक्स के जगह में बी यहाँ पे पुटअप कर दिया, दैट इज बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू बी स्क्वायर। तो अभी मेरा लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा, टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने लोअर का लिया, उसी तरह से गाइस आप अपर कर लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या है टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करो टू बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज फोर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज फाइव बी स्क्वायर। तो गाइस ये मेरा क्या बन गया, फाइव बी स्क्वायर। ओके मैंने इसको मैनिपुलेट करके टी के टर्म्स में लिख दिया पहला काम। दूसरा काम लिमिट को बदलना है, लिमिट को इसलिए बदलना है क्योंकि ये लिमिट जो है ये एक्स का लिमिट है और मैंने टी में कन्वर्ट किया है, तो मुझे लिमिट भी जो है टी का देना होगा। और मैंने टी को माना था एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरा लिमिट कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से, तो मैंने एक्स की जगह में बी माना, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू बी स्क्वायर, तो मेरा लोअर लिमिट टू बी स्क्वायर हो गया। और उसी तरह से मैंने अपर लिमिट पर पुटअप किया दैट इज टू बी स्क्वायर, तो टू बी दैट इज फोर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज फाइव बी स्क्वायर। तो मेरा ये कंडीशन बन गया, ठीक है। अब गाइस इसको सिंपल सा, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल से इंटीग्रेशन अगर उसको करना है, तो गाइज मेरा क्या हम लोगों ने निकाला था, ये वाला हम लोगों ने निकाला था कि टू बी स्क्वायर से फाइव बी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टू टी, ठीक है। तो मैं वन बाय टू को गाइज मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा क्या टू बी स्क्वायर फाइव बाय फाइव बी स्क्वायर टी टी बाई टी। ओके गाइज वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। ओके लॉग टी, तो मैंने लॉग लॉग टी, मॉड टी भी लिख सकते हैं जब टी की वैल्यूज लेस देन वन होती है, तो उस टाइम मैंने मॉड लिया, ठीक है। तो आप आंसर के अकॉर्डिंग जो है मॉड ले सकते हैं, लेकिन मेरे आंसर में जो गाइज यहाँ पे मॉड नहीं है, ठीक है। तो मॉड के बारे में कहीं पे भी जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मैं मॉड यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है। तो लॉग मॉड या फिर टी दैट इज टी लॉग टी, और इसका पावर गाइस क्या होगा, हाफ तो एज इट इज रहेगा, पावर क्या होगा दैट इज टू बी स्क्वायर से फाइव बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेना है, वन बाय टू, अब जहाँ पे भी मेरा लॉग था तो दैट इज लॉग टी की जगह मैं यहाँ पे पुटअप करेंगे फाइव बी स्क्वायर माइनस लॉग टू बी स्क्वायर। ओके ओके सो मेरा वन बाय टू लॉग ए माइनस बी, गाइज लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल सेम एज लॉग ए बाई बी, ये लॉग का रूल होता है। सो लॉग फाइव बी स्क्वायर डिवाइडेड डिवाइड बाय टू बी स्क्वायर। ओके सो बी बी कैंसिल, बचा क्या वन बाय टू लॉग फाइव बाय टू, ठीक है, ये मेरा आंसर आया। तो ये ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच हो रहा है, सी, ठीक है, तो सी के साथ लॉग हो रहा है। यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया, ठीक है, एल एन, और मैंने वहाँ पे लॉग लिया, ठीक है, तो बस ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी।
ओके गाइस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर से एक बार बोल दे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ठीक है, तो मैंने बस यही किया। ओके कौन सा ISI 2009, ओके गाइस ये आपको दे रखा है ISI 2019 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है आपको दे रखा है। अभी आपको ये भूल जाओ, ये ऊपर वाला लाइन भूल जाओ, अभी आपको सिर्फ ये वाला पार्ट को देखो, इंटीग्रेशन वाला पार्ट को देखो। माइनस वन से वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन। गाइज एक चीज यहाँ पे कॉमन क्या है कि मेरा लिमिट का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस वन से वन, यहाँ पे भी माइनस वन से वन, ठीक है ओके। सपोज एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ वन, मतलब कि हमें एफ ऑफ एक्स की वो फंक्शन निकालनी है कि मेरा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, तभी जो है हम एफ ऑफ वन की वैल्यूज बता पाएंगे। विदाउट एफ एक्स का फंक्शन निकाले हुए हम कभी भी एफ वन या एफ टू का वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का टास्क क्या है कि हमें एफ एक्स की वैल्यूज निकालना है, ठीक है, पहली काम। दूसरे काम यह गाइस कि जब भी अगर हम इस टाइप के अगर फंक्शन को देखे, फिर है कौन अभी फिर ऐड हो रहा है, जस्ट वन सेकंड गाइस, ओके सॉरी, ओके तो मैं यहाँ था। हाँ तो जब भी अगर आप इस टाइप के गाइस अगर फंक्शन देखें कि एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है ना, ये मेरा दो ही इसकी पॉसिबिलिटीज होगी, चाहे ये मेरा फंक्शन इवन हो सकता है या फिर मेरा ऑड हो सकता है, ठीक है, इससे तो और कुछ नहीं, चाहे वो दो ही चीज़ होगा यार, इवन होगा या फिर ऑड होगा, ठीक है ओके। गाइस जब भी मेरा फंक्शन इवन होता है, इवन में क्या होता है कि रूल होता है ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है सेम एज एफ ऑफ एक्स होता है, दैट इज माई इवन केस, ठीक है, दैट इज माई इवन केस। उसी तरह से मेरा गाइस ऑड का क्या होता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरा ऑड का रूल होता है जो कि बेसिक रूल होता है, जो कि मेरा बेसिक रूल होता है, ठीक है, तो ये मेरा ऑड हो गया, ये मेरा इवन का रूल होता है, ठीक है ओके ठीक है। तो मैंने गाइस इसी क्वेश्चन को जो है इवन और ऑड से मैंने सॉल्व किया है, क्यों मैंने आपको रीजन बता दिया कि रीजन जो है इसका इसीलिए होगा क्योंकि जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, चाहे वो मेरा इवन फंक्शन होगा या फिर मेरा ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इवन फंक्शन का रूल गाइस ये होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि बेसिक फंडामेंटल रूल है ये, ठीक है, आप सब किसी को पता होना चाहिए इवन का रूल होता है। उसी तरह से ऑड का क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है ऑड के केस में, ठीक है, ये बेसिक। तो मैंने माना कि सपोज कि अगर मेरा फंक्शन जो है इवन है, सपोज तो मैंने माना केस वन, ठीक है, केस वन क्या कि अगर मेरा फंक्शन एफ इज इवन, एफ इज इवन फंक्शन, ओके एफ इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का गाइस मैंने आपको बताया अभी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ओके और मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि माइनस वन से वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ माइनस वन टू वन एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, यही दिया हुआ था। तो मैं पहले इसको उतार लेता हूँ, टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन, वन टू वन एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ओके ये मेरा क्वेश्चन था गाइज। अब मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि मैंने पहला केस माना है कि ये मेरा फंक्शन इवन है और इवन का रूल क्या होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जस्ट अब मैं यहाँ पे माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स माइनस वन टू वन
एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह में गाइस अब मैं पुट कर दूंगा एफ एक्स डी एक्स। ओके ओके गाइस दोनों सेम चीज़ है, ए भी सेम, ए भी सेम, तो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो मेरा क्या होगा कि टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे चले गया, बचा कितना जीरो, तो जीरो। गाइस टू में से वन गया, वन सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। गाइस ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा एफ एक्स जीरो होगा। अगर आपको पूछ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इसको जीरो होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा किसी भी लिमिट पे। तो इसका मतलब कि मेरा एफ एक्स का वैल्यू क्या जीरो है, और जब एफ एक्स का वैल्यू जीरो है तो एफ वन क्या होगा जीरो होगा, एफ टू क्या होगा जीरो होगा, एफ थ्री क्या होगा जीरो होगा, एफ हंड्रेड क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो जीरो आएगा, तो वन पुट करोगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। तो वही चीज है यहाँ पे पूछ रखा है कि अगर माइनस वन भी अगर हम पुट किए तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। सपोज कि अगर माइनस वन भी, और मेरा हमने अभी जो निकाला था वो क्या निकाला था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ठीक है यार माइनस वन पुट करो फिर भी जीरो, जो कि वैलिड हो रहा है। उसी तरह से अगर मैंने एफ ऑफ वन अगर निकालूंगा तो क्या होगा जीरो, एफ हंड्रेड निकालूंगा तो क्या होगा जीरो। ठीक है, तो यही चीज है, तो इसका आंसर जी, सॉरी ए। ठीक है, मैंने गाइस इसका इवन केस लेके बनाया, आप इसका ऑड केस भी लेके बनाइएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार ऑड केस लेके फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सपोज केस टू में लेता हूँ कि अगर मेरा एफ इज ऑड है, ऑड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरा तो फंक्शन एफ एक्स था ना, तो एफ एक्स तो मेरा को नॉन, मतलब वो क्या था वो तो हमें मालूम नहीं था, तो मैंने एज्यूम किया कि यार ये दो ही पॉसिबिलिटीज होगा, चाहे मेरा इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, तो ऑड की जो पॉसिबिलिटीज है गाइस वो क्या है कि इसका रूल क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ना, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन में गाइस क्या दिया हुआ था, माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन यहाँ पे मेरा क्या था क्वेश्चन में तो था ये था। ठीक है, तो अब इसके जगह में गाइस अब हम ये लिख सकते हैं माइनस, ठीक है माइनस लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यहीं पे मिटा के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो अब मैं यहाँ पे माइनस एफ एक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स, गाइस ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो टू प्लस वन थ्री, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज, ये सम इंटीग्रेशन ऑफ द सम फंक्शनल वैल्यूज इज इक्वल टू जीरो, ये कब पॉसिबल है, जब इसको जीरो होना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एफ वन क्या होगा जीरो, एफ हंड्रेड क्या होगा जीरो, एफ माइनस वन क्या होगा जीरो। ठीक है, तो मैंने दोनों केस से देखा इवन ऑड के केस में, तो मेरा सेटिस्फाइड हुआ, तो मेरा फंक्शनल फॉर्म क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, एनी डाउट इस क्वेश्चन में, या फिर कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और आई रिपीट, कैन आई रिपीट और आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, in the last, why are you saying that the, because the integration value is equal to zero, fx is also going to be equal to zero? You just take any values. You just take any values is equal to zero. It is possible when this must be equal to zero. This okay, is, sir. Yeah, this is integration. Or suppose this is fx. Okay. So we don't know na ki fx kya hai. एफ एक्स तो हमें नहीं मालूम है कि एफ एक्स क्या है। ठीक है, तो अगर अगर आप इस तरह से निकालेंगे कि सपोज माइनस वन टू वन, तो अगर आप यहाँ पे एफ वन माइनस एफ ऑफ सपोज दिस इज माइनस वन, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा ना,
तो ये फंक्शन इज इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल होगा, तो इसको जीरो होना होगा क्योंकि ये मुझे फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। या फिर ओके सर, गॉट इट गॉट इट। या फिर यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन फॉर्म लेके देखिए, इंटीग्रेशन कीजिए और इज इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन जीरो होगा, ये मतलब ये पूरा फंक्शन इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ये इक्वल टू जीरो मतलब पूरा, सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ लाइक कि 2x² + 5x + 3 या कुछ भी लाइक sin x + cos x और यहाँ पे लिमिट कुछ भी है और मैंने आपको बोल दिया कि इक्वल टू जीरो, ठीक है इक्वल टू जीरो, तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब इसको जीरो होना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन यहाँ पे जीरो होना होगा। सो इसका आंसर जो है ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। ओके एनी डाउट इसको छोड़ के और? ओके नाइन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI 2020 क्वेश्चन नंबर 14। ओके इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n ln x dx और n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n ln dx आपको दे रखा गाइस, ठीक है। तो मैंने इसको माना फर्स्ट, इसको मैंने माना सेकंड, ओके क्योंकि लॉग मेरा पहले आता ना आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट तो लॉग लॉगरिथम, लॉगरिथम को फर्स्ट उसके बाद ए आता है, तो इसीलिए मैंने इसको माना सेकंड, ठीक है। तो गाइस वही वाला फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, सेम चीज, जस्ट आप इस वैल्यूज पे इसको पुट करो, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन क्या था गाइस कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन ln x dx, ओके और मैंने इसको माना था फर्स्ट, इसको मैंने माना था सेकंड अकॉर्डिंग टू द आईलेट, और मेरा गाइस फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही था। तो ओके अब मैं इस वैल्यूज में पुट करता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट को एज इट इज रखो, एज इट इज दैट इज ln x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन गाइस x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, x पे पावर n माइनस माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो दैट इज 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड मेरा क्या है x पे पावर n, और x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिक, यही तो होता है x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो मैं अब यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन के साथ dx, ओके ओके। सो ln x सेम xn का इंटीग्रेशन गाइस क्या होगा x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके ओके माइनस गाइस ये मेरा इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में है, तो n तो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने n को बाहर निकाल लिया 1/n+1, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx, यही बचा, ओके ln x x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 1/n+1, ओके गाइस यहाँ पे देखना ध्यान से x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x, तो मैं ये x को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x पे पावर माइनस 1, इसको मैं ऊपर लेके चले गया तो x पे पावर माइनस 1, ये दोनों सेम है तो मैं कॉमन ले लिया, बचा क्या n प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या x पे पावर n, तो मेरा ये टोटल क्या बन गया x पे पावर n dx, ओके सो गाइस ln x x पे पावर n प्लस 1 ये तो सेम होगा माइनस 1/n+1, गाइस अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सिंपल x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो गया प्लस c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो मेरा क्या इसका आंसर निकला
lnx into x to the power n plus 1 divided by n plus 1 minus 1 by n plus 1 into x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. तो मेरा जो ऑप्शन नंबर किसके साथ गाइस मैच हो रहा है, सी सी नंबर के साथ, एल एन एक्स इंटू एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन इंटू एक्स टू पावर एन प्लस वन प्लस सी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इस 14th क्वेश्चन का. ओके, इसमें डाउट या फिर और एक बार रिपीट कर दें या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें? रिपीट. कैन आई रिपीट और जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आंसर होगा सर. नेक्स्ट सर, इसका आंसर ए होगा सर. वन सेकंड, वन सेकंड. ओह हां, सॉरी सॉरी, n प्लस 1 का स्क्वायर. हां सॉरी, तो उतना तो आंसर तो आ गया. अब तो आप इसमें मैच कर ही सकते हैं. ठीक है, तो हां, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, यहां पे मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे n प्लस वन स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे में n प्लस वन इंटू एन प्लस वन तो स्क्वायर होगा. तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर. ओके, तो उतना तो आप लोग खुद एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, ए एस यू टी 2023 क्वेश्चन नंबर 47th नंबर. ओके, सो ये क्वेश्चन गाइज आप देखिए कि ई पे पावर आपको दे रखा है कि 8 ln x e पे पावर 8 ln x माइनस e पे पावर 4 ln x डिवाइडेड बाय e पे पावर 4 ln x माइनस e पे पावर 2 ln x. ठीक है, तो देखने में गाइस आपको शायद ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इजी है. ठीक है, तो आपको एक चीज यहां गाइस पता होना चाहिए. देख, सबसे पहले मेरा ये क्या दिया हुआ है कि e पे पावर 8 ln x दिया हुआ है. ठीक है, ओके गाइज, अगर 5 ln x है, 5 ln x है, तो 5 को हम यहाँ ले जा सकते हैं ना इसके पावर में. तो क्या हम इसको ln x एक्स को पावर 5, यही 5 तो यहाँ पे आता था. ठीक है, अब ये उठ के अब यहाँ पे आ गया, तो इसको बैक कर दो यहाँ पे. ठीक है, आठ को उठा के यहाँ पे कर दो. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e पे पावर ln x पे पावर 8 माइनस e पे पावर ln, ये 4 जो है ये पहले था यहाँ पे लेकिन उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे बैठाओ यहाँ पे. तो x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय e पे पावर उसी तरह से ln x पे पावर 4 माइनस e पे पावर ln x स्क्वायर. ठीक है, ओके, यहाँ तक तो गाइस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. मैंने सिंपल सा लॉग का फॉर्मूला जो है मैंने यूज़ किया. गाइस अगर लॉग, सपोज कि अगर 2 पे पावर 5 होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, लॉग ये 5 उठ के यहाँ पे आता है, तो 5 लॉग 2. ठीक है, तो मेरा वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो मैंने 5 को बैक मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके पावर पे, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे पुट अप किया. ठीक है, ओके गाइस, एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है मेरा इनवर्स फंक्शन है. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है मेरा क्या इनवर्स फंक्शन है, वैसे ही लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है मेरा इनवर्स फंक्शन है. और इनवर्स फंक्शन में एक रूल होता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई. ये वाई क्या है, ये पावर, ये वाला ये जो मेरा वेरिएबल है. ठीक है, f ऑफ f माइनस y इज सेम एज y होता है इनवर्स में. तो मैंने पता किया कि इस यहाँ से कि मेरा एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या होता है, इनवर्स होता है. ठीक है, इनवर्स फंक्शन दिस गाइस, सपोज दिस इज अ सेट. ठीक है, तो दैट इज इसका पूरा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के जो है बराबर हो जाता है. ठीक है, 1 1 प्लस ऑन टू. ठीक है, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव. ठीक है, तो मैंने यहाँ से पता किया कि ये मेरा फंक्शन जो है इनवर्स है. और इनवर्स का रूल ये होता है कि f ऑफ f माई f इनवर्स y इज इक्वल टू y, f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू y होता है. और y मेरा क्या वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल. तो हम क्या इसको डायरेक्ट अब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x पे पावर 8 माइनस x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, ओके,
ठीक है, तो क्या मैं अब इसको सपोज ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स टू का स्क्वायर सेम चीज डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो क्या मैं उसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मैंने क्या माना था, एक्स पे पावर फोर का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे में मैंने क्या था, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर था। गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक्स पे पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक्स पे पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा क्या, एक्स पे पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को तो बचा इंटीग्रेशन करना है गाइज, ठीक है, इसी को तो इंटीग्रेशन टू, इसका इंटीग्रेशन सिंपल, एक्स पे पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव प्लस एक्स पे पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, बी, ओके, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सीयूटी का था क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी ये जो इसके रूल्स होती है, आपको रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, अगर रूल्स अगर पता रहा तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। लॉग और एक्सपोनेंशियल इन्वर्स है, और जब इन्वर्स है तो ये वाला फॉर्मूला एफ ऑफ एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू वाई, मतलब ये वेरिएबल के बराबर होता है, और वेरिएबल मेरा क्या है यहाँ पे, एक्स आइट, वेरिएबल क्या है, एक्स फोर, वेरिएबल क्या है, एक्स फोर, एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर, तो मैंने जस्ट अभी पुटअप कर दिया, और सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक्स आइट था तो मैंने इसको एक्स फोर स्क्वायर, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ा, ताकि जो है नीचे वाला ऊपर वाला जो कैंसिल हो जाए, तो मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद मुझे ये फॉर्मेट मिला, और ये फॉर्मेट को मैंने सिंपल सा इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला, जो कि मेरा बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनी डाउट गाइज देन यू कैन आस्क मी, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एस आई 2007 क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप उसको करेंगे, अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, ओके। ये है गाइज आई एस आई 2010 क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, हमें दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर ई पे पावर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डी डब्ल्यू। गाइज एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो मेरा जो फंक्शन है एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पे मेरा वेरिएबल x1 x2, तो ये मेरा x1 x2, ठीक है, x1 x2 है, लेकिन ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ना क्वेश्चन में जो दिया गया हुआ, वो w के टर्म्स में पूछा गया है, ठीक है, विथ दी प्रॉपर्टीज दैट f 0 0 इज इक्वल टू 0 देन दी फंक्शन ऑफ दिस इज व्हाट। ओके गाइस, जब भी आपको इस टाइप से अगर होमोजीनियस पूछा गया है कि होमोजीनियस ऑफ डिग्रीज क्या है, ठीक है, या फिर जैसे माइक्रो में जो होता है ना कि सी आर एस कॉन्स्टेंट इनटू स्केल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि सपोज कि अगर मेरा कोई प्रोडक्शन फंक्शन अगर दिया हुआ है कि सपोज लाइक ए इंटू के पे पावर हाफ एल पे पावर टू बाई थ्री, अगर हमसे अगर कोई पूछा कि बताओ इसकी जो है ये कौन सा है लाइक सी आर एस या डी आर एस, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल लैम्डा टाइम्स ऑफ लेबर, इसी को तो हम बढ़ाते थे ना लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल लैम्डा टाइम्स ऑफ लेबर, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लैम्डा पुट करते थे कि लैम्डा के, ठीक है, वन बाय टू, फिर लैम्डा एल वन बाय टू, तो लैम्डा मेरा कम्प्लीटली यहाँ पे आना चाहिए, फैक्टर आउट होना चाहिए, और लैम्डा अगर लैम्डा आया, ठीक है, फैक्टर आउट करके फिर ये फंक्शन अगर ये मेरा ग्रेटर देन होता था तो हम इसको सी आर एस बोलते थे, इक्वल टू होता था,
सॉरी इक्वल टू होता था तो हम सीआरएस बोलते थे, ग्रेटर देन होता था तो फिर हम लोग उसको आईआरएस बोलते थे, लेस देन होता था तो फिर उसको डीआरएस बोलते थे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्कीम। ठीक है ठीक है। तो मैंने गाइज यहाँ पे क्या किया कि मुझे एक्स वन एक्स टू दे रखी है, मैंने क्या किया कि एफ ऑफ मैंने लैम्डा से दोनों को बढ़ाया, एक्स वन को भी बढ़ाया एक्स टू को भी मैंने लैम्डा से बढ़ाया। ठीक है मैंने वन सेकंड ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स वन लैम्डा एक्स टू ओके लैम्डा एक्स वन लैम्डा एक्स टू, तो जहाँ पे भी एक्स वन है आप वहाँ पे लैम्डा एक्स वन लिखो। ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो गाइज यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर और एक्स वन की जगह में क्या लिखना है लैम्डा एक्स वन, तो अब ये क्या बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस उसी तरह से लैम्डा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। गाइज लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा एक मेरा कम्प्लीटली बाहर आ गया, बचा क्या एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लैम्डा रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है ई पे पावर माइनस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वन, एक्स वन की जगह में गाइस क्या है लैम्डा। ठीक है अब जहाँ पे भी एक्स वन था उसको लैम्डा, क्योंकि मैंने लैम्डा से बढ़ाया है दोनों को मैंने इंक्रीज किया लैम्डा से, यही रूल होता है होमोजेनियस को चेक करने का, तो मैंने लैम्डा से इसको यहाँ पर मैंने पुटअप किया। तो गाइज यहाँ पर देखना कि जब अगर यहाँ पे लैम्डा एक्स वन अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, उसी तरह से लैम्डा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर जब मैं यहाँ पे कॉमन आ गया तो ये बचा क्या एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है अब लेट सपोज कि मैंने टी इज इक्वल टू एज्यूम कर लिया डब्ल्यू बाय लैम्डा टी इज इक्वल टू। ठीक है t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय लैम्डा, तो क्या मैं इसको एक बार अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ओके सो क्वेश्चन क्या था, मैंने कहाँ तक फॉर्मुलेट किया था इसको कि जीरो लैम्डा बाहर आ गया एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, मैंने इंक्रीज किया था दोनों को f लैम्डा x1 f लैम्डा x2। ठीक है ओके e पे पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय w स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या था dw, मेरा क्वेश्चन dw था। मैंने लेट सपोज किया सपोज कि t इज इक्वल टू w बाय लैम्डा। ओके तो मैं अगर डी टी बाई डी डब्ल्यू निकालूंगा तो वन बाय लैम्डा आएगा क्योंकि वन बाय लैम्डा मेरा कॉन्स्टेंट है, तो डी टी बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा। ओके ओके तो क्या मैं जीरो लैम्डा एस इट इज पावर तो मेरा वही रहेगा एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ई पे पावर माइनस डब्ल्यू बाय लैम्डा, W का लैम्डा को मैंने क्या माना T और यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T स्क्वायर। ठीक है T स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचा क्या X1 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है DW लेकिन मैंने यहाँ पे T में कन्वर्ट किया तो मुझे T चाहिए तो मैं अब यहाँ पे DW को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ DW, ये डी डब्ल्यू मैं यहाँ पे लेके गया और लैम्डा को मैं यहाँ लेके आया तो लैम्डा डी टी लिख सकता हूँ। तो अब डी टी के डी डब्ल्यू के जगह में मैं लैम्डा डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है तो ये लैम्डा मेरा कम्प्लीटली फैक्टर आउट हो गया, जीरो लैम्डा रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर डी टी। ठीक है तो गाइज मैंने लैम्डा से इंक्रीज किया था बढ़ाया था दोनों को एक्स वन एक्स टू और लैम्डा कम्प्लीटली फैक्टर आउट हो गया और इसका पावर क्या है वन। ठीक है अगर यहाँ पे टू होता तो पावर टू होती, थ्री होता तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री थ्री होता, फोर होता तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री फोर होता, तो यहाँ पे वन है तो इसका आंसर वन होगा सी।
24 का सी. ओके सो गाइस इंटीग्रेशन खत्म हुआ. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको चार पांच क्वेश्चंस जो कि मतलब बहुत इजी इजी है. ठीक है, वो तो बहुत इजी है, अगर आप ये अच्छे से कर लिए तो सब तो आपको इजीली हो जाएगा. तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ नंबर सिस्टम पे. ठीक है, आई थिंक और कोई स्लाइड नहीं है इसके बाद. ओके, इस क्वेश्चन में गाइस किसी को भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Any doubt? किसी एक कोई एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर दे. कोई भी एक. ओके सो आई मूव टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम. ओके गाइस, तो नंबर सिस्टम पे मूव करते हैं. ठीक है, ओके आई से 2012 क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, आपको दे रखा है कि फ्रॉग है लिव्स इन अ वेल ऑफ 12 फीट डीप. ठीक है, सपोज कि ये मेरा वेल है, कुआं है. ठीक है, सपोज दिस इज कुआं. ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 14 फीट. कुआं का 14 फीट हाइट है इसकी. वन फाइन मॉर्निंग सी हैज एन अर्ज टू सी द वर्ल्ड. ठीक है, उसे इच्छा होती है कि यार चलो दुनिया को देखते हैं. एंड स्टार्ट टू क्लाइंब आउट ऑफ हर वेल. वेल एवरी डे सी क्लाइंब अप बाय 5 फीट व्हेन देयर इज अ लाइट. ठीक है, जब लाइट होती है, सपोज दिन में लाइट होती है, तो 5 फीट जो है, सपोज ये फ्रॉग यहाँ पे थी, सपोज दिस फ्रॉग यहाँ पे था. ठीक है, ये फ्रॉग है, ये 5 फीट सपोज कि वो ऊपर चढ़ा. ठीक है, सी क्लाइम्स अप बाय 5 फीट व्हेन देयर इज अ लाइट बट स्लाइड बैक बाय 3 फीट इन द डार्क. लेकिन फिर ये 3 फीट जो है ना, फिर ये बैक आ जाता है, 3 फीट बैक आ गया. तो नेट कितना हुआ, 2. उसी तरह से दूसरा डे में 2, तीसरा दिन में भी 2, चौथा दिन में भी 2, पांचवा दिन में भी 2. ठीक है, ठीक, छठा दिन में भी 2, समझ रहे हैं. तो 2 2 2 2 2 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5. ठीक है, अगर गाइस 5 डेज अगर है, सपोज कि 5 डेज में उसका जो मेन जो नेट वो कितना चढ़ा, दैट इज 10 फीट. ठीक है, 10 फीट. ठीक है, लेकिन सपोज कि लाइट हुआ, और लाइट अगर हुआ तो फिर वो 6 फीट चढ़ जाता है ना. तो टोटल 10 प्लस 6 कितना हुआ, 16 फीट. और वह इसका कुआं का हाइट कितना है, 14 फीट. तो ये जो मेढक है तो फिर बाहर आ जाएगा ना. तो कितने दिन में बाहर आया, 5 + 1 = 6 डेज में जो बाहर आया. सो क्वेश्चन नंबर सॉरी मतलब आंसर इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ. एक कुआं था जिसका जो हाइट था वो 14 फीट की थी. ठीक है, और ये जो मेढक है वो 5 फीट जो है डेली लाइट, जब भी लाइट होती है तो 5 फीट ऊपर चढ़ती है, और जब डार्क होती है तो फिर वो 2 फीट नीचे आ जाती है. तो नेट कितना का वो कवर किया, 2 फर्स्ट डे में, उसी तरह से सेकंड डे में 2, थर्ड डे में 2, उसी तरह से 5th डेज में कितना होगा, 10th. ठीक है, 10th डेज में. ठीक है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क क्या खत्म हो गया, अब लाइट आएगा. तो जब लाइट आएगा तो कितना लाइट में कितना, 5 फीट. ठीक है, 5 फीट या तो 5 फीट जो ही चढ़ती है, तो 10 + 5 तो टोटल 15 आ गया ना. लेकिन नेट इसका जो हाइट है वो 14 फीट ही तो है, तो
सिक्स्थ डेज में जो है वो पूरी दुनिया को देख लेगी. तो आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर. ओके, एनी डाउट? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? ओके, आईएसआई 2012 क्वेश्चन नंबर 3. लेट एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, फॉर ईच एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिफाइन एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इनटू के और के इज इक्वल टू दिस. ठीक है, आपको दे रखा है कि ए वन की वैल्यूज क्या होगा और आपको ए एन एज अ फंक्शन आपको दे रखा है. तो मैं यहाँ पुट करता हूँ ए वन. A1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 plus 1 k. ठीक है, 1 plus 1 into k. तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2k. ठीक है, 2k आएगा. ओके, अब निकालना ए टू. गाइज ए टू, तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 plus 1 दैट इज 3k. ए वन इज इक्वल टू 2k, ए टू इज इक्वल टू 3k. ओके, 2k और k मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है. ठीक है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो k का वैल्यू पुट करो. जब k इज इक्वल टू 1 होगा तो 2, k इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16 18 डॉट अब तू चलते जाएगा. उसी तरह से ये बना क्या 3k, तो उसी तरह से k इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब आपको पूछा कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है. तो गाइज इंटरसेक्शन क्या है, 6 6 12 12. ठीक है, 18 18. तो किस रेशियो में चल रहा है, 6k के ना, किस रेशियो में चल रहा है, 6k के. ठीक है, 6k. लेकिन गाइज मेरा फंक्शन किस फॉर्मेट में है, n प्लस 1 के फॉर्मेट में है. तो इस 6 को हम कैसे तोड़े ताकि यहाँ पे 1, तो 1 plus 5. ठीक है, k दैट इज a5. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, c. ओके, सो c इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, एनी डाउट? Any doubt? Respond? Anyone? No, sir. Okay. Okay. So, guys, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया. मैंने ये मुझे दे रखी थी ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन. मैंने मुझे पूछा क्या गया, ए वन, तो मैंने यहाँ पे ए वन पुट किया. ए वन पुट किया तो 1 plus 1 दैट इज 2k. गाइस 2k, तो मैंने इसको एक्सपेंड किया 2 4 6 और के इज इक्वल टू नेचुरल नंबर. तो कभी मतलब के का वैल्यूज 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो 4 पुट करो, तो मुझे ये सीरीज मिली 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. उसी तरह से मैंने टू ए टू तो 2 plus 1 दैट इज 3k. तो फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी. अब मुझे पूछा इंटरसेक्शन. ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है, 6 6 12 12 18 18. ठीक है, तो गाइस ये किस फॉर्मेट में है, 6k के फॉर्मेट में है ना, ये किस फॉर्मेट में है, 6k. तो क्या मैं 6 को 5 plus 1k के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में कि 1 तो एटलीस्ट आना ही चाहिए. तो 1 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, 1 तो यहाँ पे मैंने रख दिया, बचा क्या 5. और आई तो मेरा था ना ए एन, और ये एन था तो यहाँ पे 5 आ गया. तो ये किसके बराबर हुआ, ये 5 के बराबर हुआ ना. ठीक है, तो ये 5 जो है मेरा आ गया आंसर. ओके, सो लेट्स मूव टू द आईएसआई 2012 क्वेश्चन नंबर 20. ओके,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज व्हाट, ठीक है, मुझे दे रखा है कि क्या होगा. ओके, ये हमें दे रखी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यूज वन है, मुझे दे रखी है, ठीक है. देन ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो किस इंटरवल में लाइज करेगा, 0.75 होगा इसका वैल्यूज, या फिर इसकी वैल्यूज माइनस वन से लेकर माइनस 0.5 तक होगा, या फिर इसका वैल्यू 0.5 से 1 होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा, ये मुझे बताना है. ओके, सो गाइस ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, टू सी ए, ठीक है, टू सी ए प्लस 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 टू ए बी प्लस बी सी, या दिस इज, या तो इसका गाइस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये फॉर्मूला होता है. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, मैं यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरा बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये मेरा बचा यहाँ पे. और गाइस इसका वैल्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके, तो मैं इसकी जगह में वन लिख सकता हूँ. ओके, तो मैंने वन लिख लिया, प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके ओके गाइज, जस्ट गाइज, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, तो ये जो भी टर्म्स बनेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर, अगर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है. उसी तरह से गाइज ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए था, तो इसका जो भी वैल्यूज आएगा गाइस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव डालोगे तो ये जो स्क्वायर है ना इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है. तो क्या मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये वाला ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाला वैल्यूज ये था और ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है. ओके, माइनस वन गाइज उधर गया, सो टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ए प्लस वन जाके उधर गाइज माइनस वन बन गया. ओके ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ लिख सकते हैं, माइनस हाफ का मतलब माइनस 0.5, माइनस 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.5, तो 0.5 कहाँ से स्टार्ट होती है, चलो उसको और एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है. ओके ठीक है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 0.5 से तो बड़ा होगा, ठीक है, माइनस 0.5 से तो बड़ा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यही तो हमको निकालना था ना क्वेश्चन में, तो यही पूछा है ए बी बी सी प्लस सी. ओके ठीक है, तो मैं अब उसका जो है लोअर अपर बाउंड निकालता हूँ, ठीक है. ओके गाइस, एक चीज बताना, जैसे आपको मैंने बोला कि ए माइनस बी होल स्क्वायर ही ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुटअप करोगे स्क्वायर है तो उसको ही पॉजिटिव बना देगा. ओके ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो गाइस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अभी माइनस 2a उधर चले गया, बचा क्या, बना क्या,
टू ए बी। गाइस मैंने इस निकाला ए बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप मुझे बी सी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बी के टर्म में निकाला, तो आप बी सी के रिस्पेक्ट में निकालो कि बी सी स्क्वायर ए बी जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू बी सी। उसी तरह से गाइस सी ए का निकालो, दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए सी। तो मैंने इसको माना इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब मैंने ऐड कर, अब करो ऐड तीनों को, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। तो गाइस जब अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे सारा दो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, मतलब टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, उसी तरह से सी स्क्वायर, मतलब एक डबल डबल है। और उधर क्या बनेगा, टू ए बी टू टू बी सी टू ए बी। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूँगा गाइस तो मुझे मिलेगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, टू ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके ओके गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वैल्यू वन है, सो टू इंटू वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो टू टू कैंसिल, सो वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं क्या इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो माइनस 0.5 से वो स्टार्ट होगी, माइनस 0.5 से स्टार्ट होगी और वन तक जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। ऑप्शन नंबर वन तो नहीं होगा, बी नो बी नहीं होगा, सी नहीं क्योंकि मैंने माइनस 0.5 से स्टार्ट है बट यहाँ पे प्लस 0.5 स्टार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। सो मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, एनी डाउट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? Any doubt, guys? No. Okay. Okay, let's move to the next question. Okay. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि शायद कुछ समझ में ना आया हूँ। ओके गाइज, मुझे ये दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मुझे फाइंड आउट करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यूज क्या है। ठीक है, ओके ओके, तो गाइज, तो मेरा जो बेसिक फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ओके, और ये हर हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दैट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इसको वैल्यूज वन है, तो मैंने वन पुट कर दिया, प्लस टू, मैंने टू कॉमन ले लिया, बचा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये वन उधर चले गया, पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन गया माइनस वन। ठीक है, ये टू इंटू में था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो बचा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, मतलब इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस 0.5 से तो बड़ी होगी, बट कहाँ तक होगी वो तो हमें नहीं पता ना। तो वो पता करने के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाया कि a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो ये ऑलवेज स्क्वायर है ना, तो इसको पॉजिटिव ही तो बनाएगा ना, चाहे जीरो होगा या फिर जीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रहे यहाँ पे, और स्क्वायर इस नेगेटिव को खा जाएगा, वो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू ए बी को यहाँ लेके गया, मैंने इसको ए बी के टर्म में लिखा था तो मैंने बी सी के टर्म में लिखा, सी ए के टर्म में लिखा, फिर मैंने साइमल्टेनियसली इसको 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 मैंने ऐड किया, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो कि मुझे ये आंसर आया दिस। और मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मुझे अपर लिमिट वन मालूम चल गया। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0.5, बट
अपर लिमिट का 1 तक, तो इसका आंसर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द डीएससी 2012 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. ओके, सो अ रूरल लैंड ओनर कैन डिपॉजिट हिज सेविंग इन अ कमर्शियल बैंक एंड रिसीव एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8%. ठीक है. ओके, सपोज कि एक मैं हूं. ठीक है, एक रूरल लैंड ओनर कैन डिपॉजिट हिज सेविंग इन अ कमर्शियल बैंक एंड रिसीव एन इंटरेस्ट एट 8%. कि मैं अपने जो भी मेरा पैसा था मैंने बैंक में जमा किया और बैंक मुझे 8% के हिसाब से, कितनी 8% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट रेट देती है. ठीक है, कैन डिपॉजिट इज सेविंग इन कमर्शियल बैंक एंड रिसीव एन इंटरेस्ट रेट 8%. ठीक है. ओके, ऑल्टरनेटिवली ही कैन लैंड टू द विलेजर्स हु नीड क्रेडिट. उसके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो विलेजर्स को क्या करता है कि लोन देता है. ठीक है, जिसको जरूरत होता है उसे लोन देता है. लेकिन जब वो लोन देता है ना सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज का, तो 60% ही लोन कवर हो पाता है. ओनली 60% ऑफ देम आर रिपेड. ठीक है, सपोज गाइस कि मेरा एक पहला सिचुएशन है कि मेरे पास जितना पैसा था मैंने बैंक पे दे दिया, बैंक ने मुझे 8%, सपोज कि मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया था तो मैंने 8% से मुझे बैंक इंटरेस्ट रेट देती है, तो दैट इज 108 मैं कमाऊंगा अगर मैं बैंक को पैसा देता हूँ तो. ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि जो भी मेरे गांव में लोग रह रहे हैं अगर किसी को भी अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो मैं उसे लोन देता हूँ कि भाई तू आ लोन ले सेम साइज का. ठीक है, मतलब मैं अगर इसी को 2000 दिया तो 2000 मैं सबको सेम साइज का लोन दे रहा हूँ. ठीक है, सेम साइज. ओके, और उससे जो गाइज मेरा रिपेड होता है ओनली 60% ही रिपेड होता है. सपोज मेरे पास 100 रुपया था. ठीक है, ये मेरा पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑल्टरनेटिव. ठीक है, ये मेरा दूसरा चॉइस है. तो अगर मैं गांव को लोन दूंगा ना तो मेरा 60% ही रिकवर हो पाएगा, मतलब 60 रुपीज ही रिपेड हो पाएगा. ठीक है, 60% ही रिपेड हो पाएगा. तो गाइज मैं कितना लॉस कर रहा, दैट इज 48 मेरा लॉस रहा ना. ठीक है, 48 मेरा लॉस रहा. तो वही पूछा है आपको कि दैट इंटरेस्ट रेट, कि द इंटरेस्ट रेट दैट वुड मेक हिज अर्निंग सेम, कि इस पोजीशन में और इस पोजीशन में आप सेम रहेंगे. कब? जब आपको 48 एडिशनली देना होगा. दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100. तो आप कितना इंटरेस्ट चार्ज लगाओगे? दैट इज 80%. इसको जब सॉल्व करोगे तो 80% आएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, any doubt? So please repeat the last step that you have done. So, okay, suppose ये मेरे पास first option था. first option में मेरे पास 108 रुपया आया. ठीक है, okay. अब मेरे पास alternatively यहाँ पे दिया हुआ है कि alternatively मेरे पास option है. अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे गांव में लोग रह रहे हैं मैं सबको 2000 के सेम साइज के लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. सपोज कि मैं 5000 रुपीज की, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया है ना, तो सपोज कि मैं 5555 रुपीज के मैंने लोन दे दिया सबको. ठीक है, सेम साइज का मैं लोन देता हूँ. तो मैं जितना भी लोन दिया ना उसका 60% ही, सपोज मैंने 10 लोगों को लोन दिया, 10 लोगों को, उसमें से मैंने 60% ही मैं कवर हुआ, ये मेरा कवर नहीं हुआ, 60% ही मैंने कवर कर पाया. तो 100 में से 60% कवर हो पाया, दैट इज 60 रुपीज. ठीक है, लेकिन बचा कितना? 48 इस 8% के सेम एज डिपॉजिटिंग. अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 108 रुपये आपको मिलती है. लेकिन अगर आप यहाँ पे आप 60 ही रिकवर कर पाते हैं ना, तो कितना आपको और एक्स्ट्रा बचा? दैट इज 48. ठीक है, तो आप कितना इंटरेस्ट लगाओगे ताकि आपका जो रिकवर हो पाए? कितने में से 48 कितना था टोटल? 60 इंटू 100, दैट इज 80%.
इतना इंटरेस्ट रेट आपको लगाना होगा, तब आपका डिपॉजिटिंग और आप जो लोन दे रहे थे गांव में ये बराबर होगी, अदरवाइज फिर नहीं होगी, ठीक है? तो आप 80% एज इंटरेस्ट रेट आप लगाओगे। ओके, गॉट इट? या गॉट इट। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएससी 2013 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%, द टाइम टेकन फॉर इट टू डबल इन अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है, क्या होगा? गाइस यहाँ पे देखना कि द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%, द टाइम टेकन फॉर इट डबल इज अप्रॉक्सिमेटली। तो जब भी अगर आप पॉपुलेशन इज ग्रोइंग होता है कि इंस्टेंटेनियसली ग्रो, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है मेरा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी आई एल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि मेरा पॉपुलेशन किस रेट से हो रहा है, ग्रोथ, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट जो कि किसको बताता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को बताता है, ठीक है। ओके, तो गाइस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है कि दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर आर टी। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कि मुझे कोई पूछा कि बताओ कि अगर इतने परसेंट से, आर मेरा यहाँ पे क्या परसेंटेज है, टी मेरा टाइम है और एन टी जो है मेरा पॉपुलेशन एट ए टाइम है, कि अगर मुझे पूछा कि सपोज बताओ कि 2005 में क्या पॉपुलेशन थी, एन नॉट की वैल्यूज मुझे दी रहेगी कि भाई मेरा इनिशियल पॉपुलेशन इतना था, ई पे पावर और कितने ग्रोथ रेट हो रहा था, सपोज कि 2% से उस टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही थी, 2% से इंटू टी, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू सारा दे रहेगी ना, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम में इतनी जो है हमारा जो है मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, ठीक है, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। ओके, क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर आर टी, ठीक है, एन टी इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम में निकालना है ग्रोथ रेट, दैट इज दिस, दैट इज द इनिशियल एन नॉट, ठीक है, और R इज द इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट एंड T इज अ टाइम। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का, मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे यहाँ पे दे रखी है कि पॉपुलेशन ग्रोइंग एट ए इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट, तो इंस्टेंटेनियस किससे रिलेट होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर आर टी। ओके, एन नॉट जो है मेरा इनिशियल, सर दिस क्वेश्चन लाइज अंडर व्हिच टॉपिक, आई एक्चुअली कवर्ड द नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में मतलब जितने भी लाइक इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है, तो मैं सारा इसी में कवर अप करवाऊंगा। सर ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किस टॉपिक में लाई करती है? अच्छा, ये टॉपिक तो नंबर सिस्टम वगैरह में, नंबर सिस्टम या लॉग में आप बोल सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है। यार देखो इस टाइप के जो है ना, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट जो है मेरा कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशियल में ही आता है, ठीक है, तो आप ये कोई स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन इसी में लाइज होगा, क्योंकि ये जो आप इसको रिलेट हो गया कैलकुलस से, तो आप इसको कैलकुलस का भी पार्ट मान सकते हैं, या फिर आप इसको जो है एज ए नंबर सिस्टम या फिर जो लॉग है इसमें मान सकते हैं, ठीक है। या क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट होता है, ठीक है, तो जैसे ये जो है मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, तो बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का है, ठीक है, जो कि मेरा हायर डेरिवेटिव्स वगैरह के लिए, वहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पी पावर आर टी। मैंने तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया ना कि ये होता है, बट इसका एक्चुअल डेरिवेशन होता है जो कि ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर आर टी। ओके, तो मुझे ये दे रखा है कि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि द टाइम टेकिंग द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%,
ठीक है, तो 1.5% मतलब r का वैल्यू मुझे 1.5 दे रखा है. ओके ओके, द टाइम टेकन फॉर इज डबल इज अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि कितना टाइम टेकन होगा जब मेरा पॉपुलेशन साइज डबल हो जाए इनिशियल का, इनिशियल का डबल. तो सपोज मेरा इनिशियल एंड नॉट था बट मुझे पूछा क्या गया 2 एंड नॉट का, कि बताओ उसका डबल अगर हो जाएगा तो उसका क्या होगा. तो इट इज 2 एंड नॉट इज इक्वल टू एंड नॉट ई पे पावर 1 माइनस 5 टी. ओके, मैं डिवाइड कर दिया दोनों साइड बाय एंड नॉट, डिवाइड बोथ साइड बाय एंड नॉट, तो एंड नॉट कैंसिल, एंड नॉट कैंसिल, तो बचा क्या 2 इज इक्वल टू ई पे पावर 1.5 टी. ओके, अब मैं लेता हूँ लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं ln 2 इज इक्वल टू ln, तो जब मैं गाइज ln e पे पावर 1 माइनस 5 टी होता है, तो मैं आपको बताया था कि ये सेम ही होता है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 1.5 टी लिख सकता हूँ. ओके, तो मुझे टाइम पूछा है कि टाइम क्या है, तो टाइम क्या है कि दैट इज ln 2 डिवाइडेड बाय 1.5. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है मेरा आई थिंक सी, log 2 डिवाइडेड बाय 1.5 में 0.015, तो 0.015. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ में ना आया हो तो. मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पे मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ अच्छे से. ठीक है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%, द टाइम टेकन फॉर इट्स टू डबल. ठीक है, डबल कब होगी, मतलब एन टी इज इक्वल टू 2 एंड नॉट, जो भी उसके इनिशियल वैल्यूज होंगे. ठीक है, वो क्या होगा. ओके ओके, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट जहाँ पे भी देखे तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल को इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस. ओके, तो कैलकुलस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें वो फॉर्मूला उसका जो ड्राइव करके आता है दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर आर टी, दैट इज द ग्रोथ रेट फॉर्मूला. ओके ओके, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%, मतलब आर जो है मेरा कितना है 1.5 है. ओके, तो कितना टाइम टेकन हो, कितना टाइम लगेगा जब मेरा पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, जब मेरा पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, ई एन टी जब मेरा डबल हो जाएगा किसका, इनिशियल का. तो सपोज 2 एंड नॉट इज इक्वल टू एंड नॉट ई पे पावर आर टी, एंड नॉट कैंसिल, तो बचा कितना 2 इज इक्वल टू ई पे पावर आर टी, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, सो लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग ई पे पावर आर टी, दैट इज आर टी, और आर मेरा क्या है टी इज इक्वल टू लॉग 2 डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है 1.5, ये परसेंट में है तो डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.015. तो वही चीज़ तो है. सी, any doubt? No sir, कोई doubt नहीं. Okay, so next move to the next questions. Okay, guys ये तो बहुत easy है. DSA 2013 question number 27. The repeated इसका answer मैंने दो ही लिखा है, 3 I think C और D भी होगा, but ये misprint हो गया होगा. ठीक है, so the repeated non-terminating decimal 0.27 0.27 0. गाइज इस टाइप के न्यूमेरिकल सीयूटी में एक तो ज़रूर आएगा, तो इसको पूरा अच्छे से कर लेना. ठीक है, बस थोड़ी सी मेथड याद रखना. ठीक है, ये मुझे दे रखा है, तो मैंने x इज इक्वल टू 0.27 0.27 0.27 डॉट 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 अप टू, मुझे दे रखी है. ओके ओके, x इज इक्वल टू इतना दे रखी है. मैंने क्या किया गाइज कि दोनों साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया. ओके ओके, 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 27.27 27 27 डॉट डॉट डॉट, रिपीट होगा ना. ठीक है, क्योंकि मैंने इंटू 100 किया, तो ये पॉइंट जो था डबल जो था, ये 100 यहाँ पे आ गया, 27 इंटू 27 इंटू 27 डॉट 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 अप टू यहाँ पे.
अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0.272727 डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, 100 में 100 एक्स से माइनस एक्स किया दैट इज 99x इज इक्वल टू 27.27 और इसको माइनस किया तो सारा टर्म जीरो बन गया 27.0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 27/99 बी। ओके सिंपल, ये तो गाइज आपको सब किसी को आना चाहिए, तो बहुत इजी है ये जो 10th लेवल के है। ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? यस सर। या कैन आई रिपीट और जस्ट मूव इट? समवन समथिंग सेज ओके। यस सर मूव। ओके नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेएनयू ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है ओके। T is invested for T years at an interest rate with a continuous compounding takes the values. Guys, why same formulas? Same formula. ठीक है? That is A is equal to P e पे power TR. वो मेरा growth पे था, ये मेरा compounding पे था. ठीक है? जो कि compounding वाला formula ही है. ठीक है? तो आप इसको देख लेना. ये formula है guys. तो आपको इसको याद रखना होगा. ठीक है? इसका कोई ये नहीं है कि नहीं अभी इसको प्रूव करूँ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसका फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाले का। ठीक है, तो अगर आप पी डॉलर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं टी इयर्स के लिए और आपको अगर इतनी इंटरेस्ट रेट मिलती है तो बताओ ए की क्या वैल्यूज होगी। तो जस्ट आप पुट कर दोगे कि जितनी मेरी पी वैल्यूज होंगे ई पे पावर टाइम, जितना भी टाइम पूछेगा दैट इज आर इनटू टी, जस्ट पुट अप कर देना। ठीक है, तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएससी 2014 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट 003460 बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ओपीक्यू। ओके, सो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ गाइस। Suppose that is O, that is P, that is Q, okay? और मुझे O की coordinate guys क्या दे रखी है 0, 0, P की coordinate क्या दे रखी है 3, 4, Q की coordinate क्या दे रखी है 6, 0, okay? With the vertices of the triangle OPQ, if S is the interior of the OPQ is such that the triangle OPS, और यहाँ पे एक point lies करता है guys जिसका नाम है S। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो मैं यहां से तो ये मैं ऐड कर देता हूं। ओके ओके, और एस मेरा क्या है गाइस, सेंट्रोइड। ठीक है, बेसिक। ठीक है, जो बेसिक चीज है क्लास 10th का, ये बीच वाला पार्ट क्या है, सेंट्रोइड। ओके okay, so the point S is the interior of the OPQ, OPQ such that the triangle OPS, OPS, this triangle, OPS, PQS, PQS, this triangle, OQS, this triangle, ठीक है? तो गाइस ये तीनों ट्रायंगल जो है इक्वल है। ठीक है, तीनों ट्रायंगल इक्वल है, दे रखा है कि इक्वल है, तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ S जो है वो क्या होगी। ठीक है गाइस, कोऑर्डिनेट ऑफ S बताने के लिए उसका फॉर्मूला सिंपल सा कि दिस, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज ट्रायंगल। ओके, ये मेरा ट्रायंगल है और दिस इज माय सेंट्रोइड। ओके, सेंट्रोइड है ये। ओके, और ये मेरा गाइज है, सपोज सपोज कि मेरा है ए बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सी डी और ई एफ। ठीक है, तो अगर मुझे एस कोऑर्डिनेट अगर निकालनी है ना, एस कोऑर्डिनेट, तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3 वाला कोऑर्डिनेट निकल गया, दूसरा बी प्लस डी प्लस एफ,
बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई थ्री, ये मुझे सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, डायरेक्ट बताओ, जीरो प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो क्या हो गया, जीरो प्लस थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन बाई थ्री। उसी तरह से जीरो प्लस फोर प्लस जीरो कितना हो गया, फोर बाय थ्री, और ये कितना हो गया, थ्री थ्री। सो थ्री और फोर बाय थ्री, सो किस ऑप्शन से गाइस मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी से जो गाइस मैच कर रहा है, ओके okay? इसमें कोई डाउट, नो डाउट, ओके। एनी एनीवन हैव एन डाउट, ओके। सो गाइज आज यहीं तक रखें या फिर और क्वेश्चंस करें बताइए आप लोग, क्योंकि आज आई थिंक मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चंस और सर वो सीयूटी तो सर ये मार्च में अब एक मंथ बाकी है, इतने दिनों में सीयूटी की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो पाएंगी? मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा जो आईआईटी आईएसआई वगैरह मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि मेन मेन टॉपिक्स अगर सपोज कि 25 तक अगर मैं ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को मैं लेके चलूँ, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं आप बहुत सारे मैं छोड़ के मैं डायरेक्ट नेक्स्ट जो है मैं चैप्टर पर मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, हर एक टॉपिक्स हर एक क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो, कोई क्वेश्चन आपका छोड़े ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे से और हर एक क्वेश्चन को मैं लेके आपको मगअप। सर लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं करती है तो ऐसे तो मतलब अगर सीयूटी की डेट उसी समय लाइक कर जाती है तो 15 मतलब सेशन हो सकती है बस, ऐसे तो इसके बाद तो या तो सर इसको रोज लेके मतलब वो कर लिया जाए, नहीं तो ऐसे तो होगी नहीं कंप्लीट कम से कम सीयूटी के लिए भी। ओके मैं इस पर डिसाइड करता हूं, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। और उसके अलावा तो कोई भी अब आईएसआई का पेपर भी तो मई में होना है, तो जैम कंडक्ट हो ही चुकी है, तो जो अभी मेजर एग्जाम तो वही बच रहा है। तो लेकिन आईएसआई का 8वीं 12th 12 मई को एग्जाम है आईएसआई का, हां तो देखते हैं अगर होगा तो सप्ताह में 3 दिन ले रहे तो 4 दिन लेंगे, एक दिन और एक्स्ट्रा संडे को ले लेंगे, और जितना पॉसिबिलिटीज होंगे उतना मैं करूंगा, क्योंकि सब सर मेरे हिसाब से सब तो सीयूटी को ही मेजरली फोकस कर रहे होंगे। हाँ तो सीयूटी में मैं थी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मे बी सीयूटी का अच्छा लेवल पे आ सकता है, क्योंकि इस बार आईजीआरडीआर ऐड हुआ है, जीआईपी ऐड हुआ है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बन सकता है सीयूटी का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे आप डीएससी जेएनयू आईएसआई को भी थोड़ा सा टच करते रहें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो मे बी इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, अगर आप इस जो मैं अभी करा रहा हूँ सारा आईआईटी आईएसआई अगर ये क्वेश्चंस कर लिए ना अच्छे से पूरा कॉन्सेप्चुअली, तो फिर आपको हर एक क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन सीवीटी आर कमिंग लाइक द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो, सो इफ दोस थ्री आर कंप्लीटेड इन टोटलिटी देन आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड फॉर सीवीटी। या या तो मैं इन तीन चीज पे ही सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मैक्रो का बहुत ही कम न्यूमेरिकल से है, सभी भी आ रहे हैं मतलब आईएसएलएम मॉडल से ही, तो अगर माइक्रो मैथमेटिक्स एंड स्टैट कंप्लीट हो गया तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं भी ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, कम से कम 2-3 चैप्टर को अगर मैं मैथमेटिक्स को खींच लूंगा तो फिर उधर जो मेरा बचेगा तो मैं कंज्यूमर बिहेवियर को 2 दिन में सारा मैं जितने भी पास्ट ईयर पेपर है कंज्यूमर बिहेवियर 1-2 दिन में, और बाद बाकी जो मेरा अनसर्टिनिटी हो गया फिर उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली डिओपोली कूर्नो स्टैकलबर्ग बार्टन और फिर मेरा जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो उस समय ज़्यादा टाइम आई थिंक लगेगा नहीं, तो मेन जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का ही है, तो अगर ये ज़्यादा अगर कर ले नहीं तो सर रोज सेशन ले लीजिए नहीं, क्योंकि ऐसे तो सर फिर कंप्लीट होगा नहीं, फिर लास्ट टाइम सर वो तो रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। रोज तो थोड़ी सी क्योंकि रोज मतलब क्योंकि सर कंप्लीट होना नहीं है, मतलब ऐसे तो लग नहीं रहा कि वो कंप्लीट होगी। कब एग्जाम सीयूटी का? सर प्रपोज्ड डेट 11 to 28 है, मतलब 1 महीने नेट बाकी है, 1 महीने से कम अगर वो
सबसे मतलब इनिशियल डेज पर रखती है तो सर इकोनॉमिक्स का एकदम थर्ड डे और सेकंड डे हो जाता है तो फिर इनिशियल डेज में ही हो जाएगा। तो अभी से एग्जाम एक मतलब 30 days बाकी है सर, तो अगर रोज एक एक सेशन ले तो शायद कंप्लीट हो जाए, नहीं तो सर होगा तो नहीं ऐसे सर, सब उसी को फोकस भी कर रहे होंगे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इस चीज़ पे देख सोचता हूँ कि जैसे मैं आपको अपडेट दूंगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज़ आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने PDF इसका ऑलरेडी मैंने इसका सेंड कर दिया है, ठीक है। तो PDF वाइज आप जो जो मैं मतलब पढ़ाता हूँ उसको कॉन्सेप्ट वाइज बस उसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको रट लीजिए, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट को रटना है, ठीक है, क्वेश्चन को नहीं, कॉन्सेप्ट को तो पूरा रट जाना है। क्योंकि आप जब एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट कितना याद रहता है वो चीज़ आपके लिए मैटर रखता है, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना भी होता है क्लास में, ठीक है, आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट उसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो वीडियो लेक्चर्स तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देखिए, ठीक है। लेकिन जो आज मिला आज का टास्क प्लीज़ आज ही कंप्लीट कीजिएगा, ये नहीं कि फिर आप कल छोड़ दें, कल आप अलग सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। अभी जो पढ़े अभी इसको 2 घंटे जितना भी आपको टाइम लगता है 1-2 घंटा अभी इसको कंप्लीट कीजिए सारा, क्योंकि मैंने सारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने इसको डिज़ाइन से मैंने बनाया। अगर आप उसको अच्छे से अगर कर लिए ना तो आप मतलब हर एक एग्ज़ाम को आप अच्छे से मतलब टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सर प्लीज नंबर ऑफ सेशंस का देख लीजिएगा बस, थैंक यू। या यस सर ओके। ओके ठीक है।